हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो एक दुखद न्यूज़ आ रही है। वाराणसी में रोटी बैंक स्थापना कर गरीबों का पेट भरने वाले युवा सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कांत तिवारी का गुरुवार को निधन हो गया। तेज बुखार के चलते हालत बिगड़ने पर उन्हें रविंद्रपुरी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मूल रूप से बिहार के सासाराम में रहने वाले किशोर कांत लंका सामने घाट स्थित महेश नगर कॉलोनी में परिवारजनों के साथ रहते थे। 2017 में उन्होंने वाराणसी में रोटी बैंक खोलकर गरीबों का पेट भरना स्टार्ट किया था। साथियों के साथ किशोर कांत शहर में शादी विवाह, तिरही, बर्थडे पार्टी या अन्य मांगलिक कार्यों में बच्चे भोजन को जुटाने के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर गरीबों को बांटते थे। लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों की मदद की थी। काशी में कोई भूखा न सोए, ऐसी सोच रखने वाले किशोर कांत ने लोगों के सहयोग से रामनगर में ताज़ा भोजन बनाने के लिए रसोई घर भी शुरू किया था। रोटी बैंक ने पिछले वर्ष कोरोना विभीषिका में लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराई थी। कुछ दिन पहले ही किया था फेसबुक लाइव। कुछ दिन पहले किशोर ने फेसबुक लाइव के जरिए दो वीडियो शेयर किए थे। एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि उन्होंने सारी जांच करा ली है, सिर्फ टाइफाइड ही निकला और जल्द ही ठीक होने की बात कही थी। दो दिन पहले कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 दिनों से हालत खराब होने पर दो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया था इनको। 2 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी हालत और ख़राब होती गई। गुरुवार को उनका निधन हो गया। सो गाइस, इनको चलिए देते श्रद्धांजलि। ऐसे महान पुरुष जल्दी नहीं आते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।